मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है क्रैक आरपीसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। फीचर्स की बात करते हैं, उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं विकास देवरिया, मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड एंड एमए किया है एंड ये सभी एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस 5 प्रकार। ओके, तो अनअकैडमी से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का प्रोसेस रहता है, ये कंप्लीट बातें आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ने के बाद आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जुड़ने के बाद ये कंप्लीट प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, विकास 01 कोड का, जब जैसे ही कोड आपसे रेफर पूछा जाए तो विकास 01 कोड का यूज कर लेना है, ताकि आपकी सभी क्लासेज आपके लिए फ्री हो जाती है, अनलॉक हो जाती है। क्लियर? ओके, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तब भी आपको ये कोर्सेज ध्यान में रखना है, यही आपको शेड्यूल यूज लेना है विकास 01 कोड। तो अनअकैडमी से जुड़ जाने के बाद आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल करवाता है, तो उसमें बात करते हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलती है आपको, यानी आप लाइव क्लासेस, डेली आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। इसके अलावा आप लाइव टेस्ट दे सकते हो, अपनी क्विजेस दे सकते हो, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है विभिन्न एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। तो इतने सारे फीचर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। फ्री एंड डेमो प्लस कोर्सेज में क्या डिफरेंट रहता है, ये बात इंपॉर्टेंट रहती है। तो फ्री क्लासेस एज ए डेमो रूप में आपको होती है, डेमो रूप में आपको फ्री क्लास के अंदर मेटर अवेलेबल होता है, जबकि प्लस कोर्सेज के अंदर कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट होते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ एंड नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहते हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। क्लियर? ये सभी फीचर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म देता है। ओके, तो ये प्लस फीचर्स आपको ये मिल जाते हैं सभी, यदि आप प्लस फीचर्स प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो। तो क्या फीचर्स मिलते हैं, डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10% डिस्काउंट मिलता है। यदि आप मेरा रेफरल कोड विकास 01 यूज करते हो किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेने के अंदर, 1 ईयर 3 ईयर एंड 6 मंथ, ओके, किसी भी प्रकार का 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो, उसके अंदर ये कोड यूज करते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है इजीली। तो ये सभी बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, सब इंस्पेक्टर, आरएस, प्रीमेंस एंड ग्रिड के, और सभी बैच कोर्स स्टार्ट है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो, आरएस, सब इंस्पेक्टर, पटवार, हेड मास्टर, वन रक्षक, वन पास, जूनियर, जेवीएनआर, रेट लेवल 1 एंड 2 एंड इंग्लिश मीडियम के एक्सपीरियंस के लिए भी बैच कोर्सेज स्टार्ट है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ओके, ये सब फीचर्स की बात अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की मैंने की है। अब बात करता हूँ आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन प्लान कितना रहता है, प्लस के साथ जुड़ोगे आप तो उसके लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ती है। तो 1 ईयर का प्रोग्राम यदि आप लेते हो तो 7,000 का है, और 2 ईयर का लेते हो तो 8,400 का कंप्लीट प्रोग्राम है। और यदि इसमें आप मेरा रेफरल कोड आप यूज कर लेते हो, रेफरल कोड विकास 01 यूज कर लेते हो, तो इसमें बेसिकली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, और 10% डिस्काउंट के साथ 1 ईयर का 6,300 में और 2 ईयर का 7,560 रुपये में कंप्लीट सिलेबस आपका स्ट्रक्चर्ड मिल जाता है। तो इससे आपकी तैयारी बहुत सुनहरी, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब तैयारी आपकी हो जाती है। क्लियर? प्लस पे जैसे ही आप जुड़ते हो तो वहां पे आपको मिलता है हंगामा कोर्स, और जिसको अभी नया नाम दिया गया है ड्रीम कोर्स के नाम से। तो यहाँ पे आप जुड़ के अपने हाई लेवल अप्रोच कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, जिसके अंदर साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड कवर होता है। ये आपकी रीट एग्जामिनेशन का 50% रोल प्ले करता है, और यह होगा इसके अंदर बेसिक बात क्या होने वाली है, तो एनसीईआरटी और आरबीएससी का पूरा कंटेंट आपको करवाया जाएगा। चलो, एडवर्ड थॉर्नडाइक चल रहा था, थॉर्नडाइक की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी काफी दिनों से, दो चार दिन हो चुके हैं थॉर्नडाइक पढ़ाया था मैंने, उसकी सीरीज चल रही है, तो आज लास्ट सीरीज है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे, सभी एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन करा रहा हूँ, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं करवा रहा हूँ। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सोचना है और समझना है और फिर आंसर देना है, अच्छे से सटीक आंसर देना है, तुक्के नहीं मारने, है ना, तुक्के तो मारने ही नहीं है। चलो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइएगा सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रयत्न त्रुटि दिगम सिद्धांत के प्रस्तावित प्रतिपादक कौन थे, कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर। तो इजी सा है, थॉर्नडाइक थे, बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर टू, प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक, वापस से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, दूसरे एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रयत्न भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक, काफी बार ये क्वेश्चन एक ही टाइप से रिपीट हुआ है। क्लियर? तो आपको याद रख लेना है अच्छे से, प्रयत्न भूल, ट्रायल एरर,
प्रयास त्रुटि है ना, ये सभी प्रकार के हर्ष और दुख का सिद्धांत, सभी प्रकार के संयोजनवाद का सिद्धांत, बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, जितने मैंने नाम बताए थे 10 नाम मैंने आपको अच्छे से क्लियर किए थे, तो सभी आपको याद रख लेना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप बहुत बार हो चुका है। चलो अब देखते हैं, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, तो प्रयास करेगा उतनी ही त्रुटि होगी, प्रयास करेगा तो त्रुटि होगी, और त्रुटि के द्वारा फिर व्यक्ति सीखता है। जैसे ही बच्चा को गलती करता है तो गलती किस प्रकार की करता है उसी से ही एक टीचर को अनुमान होता है कि बच्चा किस वे में थोट रहा है, किस वे में उसकी सोच आ रही है, किस तरह से के उसकी थिंकिंग चल रही है, किस प्रकार से वो है इस क्वेश्चन का हल करने का तरीका सोचता है, तो उसी आधार पर बच्चे को हम ट्रीट करेंगे ताकि उस बच्चे का विकास अच्छे से होंगे, लर्निंग अच्छे से हो सके। तो क्या होगा, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत बताता है, थोंडे का सिद्धांत है ये, क्लियर। नंबर 5, तत्परता के सिद्धांत, तत्परता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, काफी बार रिपीट हो चुका है, याद रख लेना अधिगम के सिद्धांत का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है, जिसके अंदर अधिगम के सिद्धांत के अंदर थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के नियम दिए थे, अपनी बुक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, इसके अंदर नियम दिए थे, दो प्रकार के नियम दिए थे, मूल नियम और गौण नियम, मूल नियम दिए थे 3 और ये दिए थे 5, और मूल नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम, यहां से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किसने किया था, वापिस वही क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन उसको थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है और ये दूसरी एग्जाम में पूछा गया, उसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, यही क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछा गया। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जेबी वॉटसन, इवान पेट्रोविच पावलोव एंड मैक्स वर्नाइमर, तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है, वॉटसन क्या है, व्यवहारवादी है, इन्होंने व्यवहारवाद की नींव डाल ली थी, ठीक है, एक मुझे बालक दिए उसे कुछ भी बना सकता हूँ, पावलोव है शास्त्रीय अनुबंध के जनक, मैक्स वर्नाइमर क्या कहलाते हैं, गेस्टाल्टवाद के जनक कहलाते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट, निम्न में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है, देखो मैंने कितनी बार बताया है प्राथमिक नियम और द्वितीय नियमों में से आपको टेंशन नहीं लेनी है, प्राथमिक नियमों की आप इजीली अच्छे से नाम याद कर लो, तत्परता, अभ्यास, परिणाम, एक क्वेश्चन वहां से निकलेगा, क्लियर निकलेगा, ठीक है। चलो निम्न में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है तो कौन सा होगा, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नाम, सादृश्यता का नियम, तीनों ही नियम गौण नियम है, तो अभ्यास का नियम प्राथमिक नियम कहलाता है, मूल नियम कहलाता है, ये इतने नामों से जाना जाता है, मूल, प्रमुख, विशेष, प्राथमिक नियम, प्राइमरी रूल, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, देखो कितनी बार किस प्रकार से पूछा है, लेकिन मैंने एक ही बात बताई, यदि आपके प्राथमिक नियम याद है तब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, बताइए जरा इसका आंसर। बताइए, तो अभ्यास का होता है, तत्परता का होता है, प्रभाव का होता है, इसका कर्म भी आपको याद रखना है, तो तत्परता, तत्पर होगा बच्चा तभी वो सीखने के लिए अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, और उसके बाद में उसको क्या मिलेगा, प्रभाव मिलेगा या परिणाम मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, रेनफोर्समेंट मिलेगा, जो उस कार्य को दोबारा करने के लिए उसे मजबूर करेगा, क्लियर। तो ये आपको कर्म भी नाम रखना है, तो इसके अंदर क्या होगा, नहीं कौन सा है, तो खेल का नहीं है, ओके, इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, तो ये खेल का दोबारा से रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान, कक्षा शिक्षण जो पाठ आप पाठ योजना बनाते हो उसका जो प्रस्तावना कौशल होता है, प्रस्तावना कौशल सीखने के किस नियम पर आधारित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के इसका आंसर देना है, यूपी टेट का क्वेश्चन है ये, और प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आप कौन से अधिगम के सीखने के नियम की पालना करते हो, प्रस्तावना कौशल क्यों निकाला जाता है, तो प्रस्तावना कौशल निकालने का मतलब यही होता है कि एक टीचर बच्चे को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, तैयार किस आधार पे कर रहा है, उसके पूर्व ज्ञान को
कुछ क्वेश्चन के द्वारा कुछ प्रश्न पूछेगा, उसके द्वारा उस पूर्व ज्ञान को जानता है और फिर एक समस्यात्मक क्वेश्चन पूछता है, वही समस्यात्मक क्वेश्चन उस दिन का टॉपिक होता है। ठीक है, तो उसके पूर्व ज्ञान से लेके नए टॉपिक तक पहुंचना, ताकि उसका क्या बन जाए, एक उसके अंदर तत्परता निकल जाए, तत्परता आ जाए, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए प्रस्तावना किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है उस टॉपिक से, फिर बच्चे से ही उस टॉपिक को निकलवाया जाता है। वो होता है बच्चे के लिए समस्यात्मक क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं, तत्पर कर रहे हैं, सीखने के लिए तैयार कर रहे हैं, इसे बोलेंगे तत्परता का नियम। इसका मतलब पाठ योजना का जो प्रस्तावना का जो सोपान होता है, वो थॉर्नडाइक के ही सिद्धांत पे ही से ही लिया गया, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से ही कहीं मिलता जुलता हुआ है। तो यहाँ से आपको एक आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक अच्छा इंप्लीमेंट किया है थॉर्नडाइक महोदय ने, इसलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्लियर? ये दो प्रकार से आपको फैक्ट अलग से याद रख लेने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अधिगम में ब्लैंक प्रभाव का नियम किसने दिया था? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थोर्नडाइक वाली थ्योरी से। तो पावलोव ने दिया था, स्किनर दिया था, वॉटसन ने दिया था, थोर्नडाइक ने दिया था। आपको अभी को अभी बताया मैंने, आपको बताया मैंने, सीखने के मूल नियम आपके याद होने से ये थोर्नडाइक के तीन नियम है, वहां से आपका क्वेश्चन देख कन्फर्म निकलेगा और आपका सही होगा। रीट 2018 में वहीं से क्वेश्चन निकला था, वहीं से क्वेश्चन आया था। तो आपको इसका आंसर बेसिकली क्या कर देना है, थोर्नडाइक, सीधा का सीधा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थोर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? सभी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, मैं नहीं बता रहा, फटाफट बता दो। अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, कौन कौन सा होगा बताइए फटाफट। बताइए जरा इसका आंसर, सभी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा? प्राथमिक नियमों की बात पूछ रहे हैं, प्राथमिक या प्रमुख या मूल या पहले नियम यानी प्राइमरी रूल। तो इसमें होता है अभ्यास का नियम होता है, प्रभाव का होता है, तत्परता का होता है, सहचार्य नियम या स्थानांतर का नियम, ट्रांसफर का नियम, ये तो गौण नियम कहलाता है। तो ऑप्शन सीधा का सीधा सी हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ साथ साथ, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं करवाया मैंने। क्लियर? चलो नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था, किस शीर्षक से सिद्ध किया था, यानी कौन सा शीर्षक रखा था, बताइए जरा इसका आंसर। इजी है बिल्कुल से, संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक स्थान अधिगम, ये तो नहीं है। तो क्या होगा? अधिगम के प्रयास त्रुटि सिद्धांत, इसी नाम से तो नाम दिया था। इजी है बिल्कुल क्वेश्चन ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी। बताइए जरा फटाफट से, एक बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब यह जल्दी से प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है। ये सिद्धांत आपको पता है थॉर्नडाइक प्रतिपादित करता है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंदर आपको बेसिकली बात क्या याद रखनी है, इसके लिए मैं बार बार बताता हूं आपको कि थॉर्नडाइक का जो बेसिक कंसेप्ट है वो उनके नियमों पे ही आधारित है, और उनके नियमों में जो मुख्य नियम है वहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप होगा डेफिनेट। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लेना है। पहला होता है तत्परता, रेडिनेंस का नियम, ठीक है, और इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं, है ना, प्रेरणा का नियम भी कहते हैं, मोटिवेशन भी आ सकता है, मोटिव, ठीक है, अभी प्रेरणा का नियम भी कह सकते हैं, इच्छा शक्ति भी इसे बोल सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार से नाम आ सकते हैं। नंबर टू होता है अभ्यास का नियम, है ना, प्रैक्टिस का रूल, इसे उपयोग अनुपयोग भी कह सकते हैं, है ना, और इसे अभ्यास करना, परिश्रम करना, है ना, परिश्रम भी बोल सकते हैं, इस प्रकार के नाम आ सकते हैं। नंबर थ्री आता है प्रभाव का नियम, इफेक्ट, इसे परिणाम बोल सकते हो आप, इसे रिजल्ट बोल सकते हो,
इसे रेनफोर्समेंट बोल सकते हो, इसे आर बोल सकते हो, क्लियर। तो ये आपको तीन वर्ड याद रखने, इनका मीन्स पता होना चाहिए। तत्परता का मतलब क्या, बच्चा पहले तैयार होना चाहिए सीखने के लिए। जब बच्चा तैयार है, सेल्फ मोटिवेट है, उसके अंदर मोटिव है, यदि बच्चा तैयार है, बच्चे को भूख लगी है, तभी वो भूख के लिए अपने लक्ष्य तक जाएगा। यदि बच्चे को भूख लगी है, उसके अंदर मोटिव है, तभी वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करेगा। यदि उसे भूख नहीं लगी है, वो तैयार नहीं है, तो उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभ्यास नहीं करेगा, न उसे कोई रिजल्ट चाहिए। यदि उसे भूख लगी, इसका मतलब बच्चा तत्पर है, तभी वह भोजन की तलाश करेगा, अभ्यास करेगा, और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, रिजल्ट प्राप्त करेगा। तो यह है एक कंटिन्यूअसली प्रक्रम चलता रहता है, यही थॉर्नडाइक महोदय समझाना चाहते हैं, और इसी इसी पूरे प्रक्रम को उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के अंदर पुटअप किया था, इसलिए इसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बताइए जरा, बताइए फटाफट से, कौन सा नियम बताता है? तत्परता का नियम बताता है, प्रभाव का नियम बताता है, अभ्यास का नियम बताता है, उपरोक्त से भी, फटाफट बता दो कौन सा नियम बताता है। पुरस्कार और दंड की बात, कौन दंड के महत्व को कौन सा नियम बताता है? तो आपको पता है पुरस्कार और दंड का कंसेप्ट कब मिलेगा, जब बच्चा तैयार होके तत्पर होके अभ्यास कर रहा है, ठीक है, अभ्यास कर रहा है। इसका मतलब किसके लिए अभ्यास कर रहा है, अपने लक्ष्य के लिए, और जैसे ही लक्ष्य मिल गया, इसका मतलब पुरस्कार मिला है, रेनफोर्समेंट मिला है, ठीक है। तो लक्ष्य या पुरस्कार मिलना किस पे डिपेंड करता है, प्रभाव के नियम पे, है ना, परिणाम के नियम पे, रिजल्ट के नियम पे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस बात को आपको जरूर याद रखना है, बच्चे के अंदर पहले मोटिव उत्पन्न होना चाहिए, और जब आपको यही पहचाना है इस बच्चे के अंदर मोटिव उत्पन्न है या नहीं, अभिप्रेरणा उत्पन्न है या नहीं, बच्चा मोटिवेट है या नहीं। यदि बच्चा बच्चे के अंदर मोटिव उत्पन्न नहीं है, बच्चा बच्चे के सामने जो आपने टारगेट दिया है, उस टारगेट का बच्चे को नॉलेज नहीं है, बच्चा लक्ष्य की प्राप्ति क्यों करेगा, लक्ष्य की प्राप्ति क्यों करना चाहता है। जिस प्रकार से आपको रीट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके अंदर स्वयं के अंदर मोटिव है, आप स्वयं जागृत हो, आप स्वयं तत्पर हो रीट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो आप स्वयं उसके लिए अभ्यास करोगे, आपको कोई नहीं कहने वाला है, फिर भी आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्लियर। और यदि आपको पता नहीं है इस रीट का क्या मीन्स है, कैसी एग्जाम होती है, कैसा पैटर्न होता है, ठीक है, तो आप उसके बारे में स्वयं अभ्यास नहीं करोगे। जैसे आप किसी दूसरे एग्जाम की एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप बैंक से संबंधित एग्जाम, एसएससी से संबंधित एग्जाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे, उसके संदर्भ में आप अभ्यास नहीं करोगे। तो आप क्या हो, जिस लक्ष्य के लिए, जिस टारगेट के लिए बच्चा तत्पर होता है, उसी के संदर्भ में प्रैक्टिस करता है, और वैसे ही लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। जिस तरीके से बच्चा तैयार होता है, उसी प्रकार से अभ्यास करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, अपने एजुकेशन सिस्टम पे भी इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तभी अपन थॉर्नडाइक की और साइकोलॉजी जो पेडागोजी सीरीज भी पढ़ रहे हैं उसका मीन्स है, क्लियर। इसीलिए आपको एजुकेशन के अंदर आने से पहले साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है और टीचिंग मेथड पढ़ने पड़ते हैं। तो प्रभाव का नियम होता है, कौन सा नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है, इफेक्ट लॉ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पूरक अधिगम नियम, पूरक का मतलब होगा सप्लीमेंट्री है, सहायक है, तो कौन सा होगा, तत्परता का नियम मुख्य है, अभ्यास का मुख्य है, प्रभाव का मुख्य है, तो आपको पता चल जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम, यानी आपको पता चल जाएगा तीन अलग आएगा ऑप्शन और एक अलग आएगा, वही होगा इसका आंसर। तो क्या होगा, बहु अनुक्रिया का नियम होगा, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने ब्लैंक के महत्व पर जोर दिया, किसके महत्व पर जोर दिया है, तो प्रेरणा के महत्व पर जोर दिया है, पुरस्कार के महत्व पर जोर दिया है, प्रशंसा, दंड। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो, प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत में किसके महत्व पे जोर दिया गया है, तो आपको देखो मैंने तीन नियम बताए थे, वहीं से क्वेश्चन निकलेगा, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अभ्यास प्रभाव का मतलब होगा परिणाम, मतलब रेनफोर्समेंट, रिजल्ट। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, और तत्परता का मतलब रेडीनेस, है ना। तो सुनना, तत्परता को हम मोटिव भी बोल सकते हो, प्रेरणा भी बोल सकते हो,
किस पे जोर दिया, तो नंबर वन बात आती है तत्परता की, बात करें तो प्रेरणा या तत्परता एक बात होगी, तैयारी की बात होगी। यहाँ पे पुरस्कार की बात करते हैं, पुरस्कार और दंड मिलेगा तो प्रभाव की बात होगी, है ना, प्रशंसा की बात होगी। क्लियर, प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, दंड देना। अब इसके अंदर तो दोनों ही बातें आ गई, तो आपको कौन सा करना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहली जरूरी आवश्यकता कौन सी है, तो सबसे पहली जरूरी आवश्यकता होती है बच्चे को तैयार करना, तत्पर करना। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे एग्जैक्टली क्लियर माना जाता है। ओके, ए ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हमें सोचना भी होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और हमें कैसे इसका आंसर देना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात रह जाती है। क्लियर, समझ में आई होगी। ये अपना आज का छोटा सेशन था, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के जितने भी एमसीक्यू आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं कंप्लीटली मैंने इन छोटे छोटे सेशंस के तहत पूरे करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर भी हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे, फिर रेगुलर हम थ्योरी पे अपने लाइव क्लासेस के अंदर आ जाएंगे 18 अप्रैल से। क्लियर होगी बातें। ओके, तो कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, अच्छे सेशन के साथ मिलेंगे, और उसके अंदर क्वेश्चन होंगे वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, इंप्लीमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।